अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुबह प्रोग्राम फोकस है। मैं ज़ोहैब ज़रदारी नासरीन अज असा मौजूद आयो बदीन ज़िले में। बदीन लाड़पट जो ही ज़िलो है, उते असा अज प्रोग्राम पे क्यों पी एस 73 ते। अगमें या पी एस 71 हुई। इनते पीपल्स पार्टी जो ताज मोहम्मद मल्लाह साहब MPA कामयाब थो। उन अगूणी स्पीकर अगूणी वफाकी वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के इन पी एस के तक तां शिकस्त दिनी हुई। उनको मुकाबलो जो हो GDA पीपल्स पार्टी जो, जैमें पीपल्स पार्टी जो ताज मोहम्मद मल्लाह साहब कामयाब थो। पेरों भेरों यो MPA थिया। उन तक ते ज़ाहिर है इलेक्शन के दौरान के वायदा कया होंदा, माणन के अवाम के ज़रूर उम्मीदू होंदियूं। ज़ाहिर है उन मुकाबले में एक अगमें वफाकी वजीर जो उन वरी स्पीकर भी रही हुए। वो ज़ाहिर है फहमीदा मिर्ज़ा वो सियासी प्रोफाइल है। उन मुकाबले में के नए मानू जो खटे अचान ज़ाहिर है, जो मतलब है अवाम के उम्मीदू हुई या वरी के ज़ाहिर है उनके के उनमें तवक्कात होंदियों। तो उन अजोके प्रोग्राम में पा यो जायजो वी तो इन गुजरियल पंजन साल के दौरान इन पी एस से बदीन जिते कड़ा कड़ा कम थे, जी वायदा MPA साहब कया उ केतरे हद तक पूरा थन। ज़ाहिर है इशूज सारी सिंध में तमाम घना ज़रूरी को समूरा वायदा या समूरा मसला सिर्फ पंजन साल में हल थी वन। ताज मोहम्मद मल्लाह साहब MPA अगूणा पीपल्स पार्टी साहब तालुक अस मौजूद है गुफ्तु कहते मल्लाह साहब बड़ी मेहरबानी तीन मजमू तौर से तेरों जो सवाल क्यों था अगत वाली बी शा सेल्फ सेटिस्फेक्शन जैसे चवंदा तुम केतरा मुतमैन आयो जो तुम वायदा कया उनमें जो भी कम थे तुम पान केतरा मुतमैन आयो तो तुम कम कया वो ठीक है एक MPA तौर कारकर्दगी में माना तुम पान सेटिस्फाई जो ज़ोहैब साहब जो धरती TV जो नहायत शुक्रगुजार आया जो तहाँ अज यो महसूस कयो आया बदीन बदीन ज़िले में बदीन के हेडक्वार्टर में वेठा आयो उते कमनकारन के हवाले से ज़ाहिर सियासी मानून जैसे इलेक्शन में वनजे तो ज़रूर मानू सा वायदा भी कजन था पर अलहमदुल्ला अल्लाह पाक की मेहरबानी से मूँ जो सर्टिफाइड जी तुम गाल 500% इन शे में मुतमैन आया अस मूँ से वायदा कया ए वायदा से वफा भी कया अलहमदुल्ला पीपल्स पार्टी की क्यादत बदीन में जो असके मेन तक बुझा मेगा प्रोजेक्ट जो असके जाहरी तरह ऐसा तो ना ही दान पर मेगा प्रोजेक्ट जस बदीन में एक इरीगेशन जो सिस्टम पानी जो तेल जो ज़िलो है तमाम घनी शॉर्टेज है वो वक्फन वक्फन असी पेंजी स्पीच में भी ये डिमांड कंदा हुआसूँ तो वो असके ज़िले के पानी दिनों वे तो उनमें असके मेन जो सो मेगा प्रोजेक्ट में असि लाइनिंग जो है शाखन की तो अस मुझे PS में सब डिवीजन मतलब टे पर मेन जो सब डिवीजन कढ़ण सब डिवीजन बदीन सब डिवीजन जो कढ़ण सब डिवीजन तमाम वे में वही सब डिवीजन है उनमें असि जो घूनी शाख है जो नहर है उनकी असके पूरी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी लाइनिंग कर टेल तई अलहमदुल्ला उ मू अज उन जैसे पानी घर तो पुज जिन मूँ दह दह साल बारह साल अग में पानी न हो लगे उन यो असो जो इलाको हो सो शुगर कैन जो बेल्ट हो उनमें कमंद एतरो हों जो उन एरिया में जो शुगर मिलों लगे पानी न होने के कर पूरा फसल मुकम्मल खत्म थी हलो अज उत उन मूँ पानी आया तो मूँ तमाम खुश अलहमदुल्ला मुतमैन असि कारगर्दी में तिल्कुल ज़ाहिर लाइनिंग थियण का मिसमैनेजमेंट थे थी जो पानी गलत इस्तेमाल थे तो उनते कंट्रोल थी हलो मूँ के पानी टेल ती पहतो तो ज़ाहिर है उन हर कें मू टेल का वी मुंड मूँ के रिलीफ मिले तो बी उन असि शाख निकरे थी राजवा जी अस गवर्नमेंट लाइनिंग की मंजूर कर छी है जो आन गोइंग है इनशाला उन कम जल्दी शुरू थी वो तो ये असोड़ो मेन जो प्रोजेक्ट गडोगर असो मेन रोड है जो बदीन का अलीबंदर का डेपलो जो बिन ज़िलन के पान में मिलाए तो ये समझो तो असो यो बॉर्डर एरिया के हिसाब से भी रोड है मेन असो यो इशू भी होंगे मुझे लाइन जैसे बदीन तो मूल चवंदा तो असो कुछ को रुगो अलीबंदर रोड ठारा दे जो अलहमदुल्ला हिंसर मुकम्मल थी टुट चुको है मेन रोड है को ये को लिंक रोड हुए या वो हो एकड़ो मेन रोड है जो बदीन का डेपलो 100 किलोमीटर है यो अलीबंदर 50 किलोमीटर है 50 किलोमीटर अगर पर वो अगर भी मंजूर थो जो डेपले तई मुकम्मल है त
मुकम्मल डेपले जो मेन रोड जी मेन रोड असो मेन वो प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 40 करोड़ जो रुगो मुझे पीएस में होंद मदीन जिले में होंद उन कम थो है अस बार बार उन शे की निशानदगी कह बुधाइंदा भी हों असें ही जो रोड की तमाम घनी जरूरत है अलहमदुल्ला उ सब मेन असा रोड ठही वन उन्हें गडोगड असा जो शहर में सिटी में सिटी की असि पोजिशन जो होंगी तो असो को सिटी जो रोड शहर जो गलियों मेन रोड शहर मेन रोड मेन रोड गलियों अना अलग शह है पर असा मेन जो भी रोड हुआ उ अग में कें भी रोड से कम न थे अस गवर्नमेंट जो बजेटू डनियो जहर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ही जो असन्य तो असा उ सिटी के फोकस कर सिटी में जो मेन रोड आन हिं तुम इन बरसात में कहीं एक ब रोड असो बो को पुरानो है जो अस न दई स्कीम में उ टुटी गया हों बी गाल बाकी असा मेन रोड जो भी जैमें अची तो वे कढ़ अलीबंद कढ़ है जो बदीन कढ़ रोड है सिटी के अंदर वो रोड मुकम्मल तबाह वो ठही वो बो कैंट रोड है जो मशहूर हों खास कर मुझे घर से जै रोड से आया तो खास कर सोशल मीडिया के अख में होंद एमपी पैंजो रोड उन रोड की पोजिशन तमाम खराब होंगी उन रोड तो तान ही हली आया तुम पा डिठो हों बो अस शहर के नंढा लिंक रोड जो इतना कढ़ रोड आसमीर पंप निकरे तो यो अची खोसकी रोड से ये वरी भी ये समझो तो गली गलियन के हिसाब से पर वरी मेन रोड है ये माना लिंक रोड जो अचन ये गलियन का सवाब इन में पूरे जो पाड़े में रोड टच करे तो जिता जिता रोड क्रॉस करे तो उन पूरे पाड़े के अस कवर किया पाड़े में जो गलिय अची थी गडे उन सब असन ये ना तो रुगो उन मेन रोड के असा वरी जगह विच में उन पाड़े ते या घर ते गलियों दी वजन हुए सा ड्रेनेज सेवरेज लाइन अब गडो सब उन सा गडो सा करे सेवरेज ड्रेनेज अले अले दी अगे हुयो अगे हो सिर्फ रोड न होया तो वो असा रोड जे इन पाड़े जो ता विजिट कंदो तो पूरे पाड़े में अल्हम्दुलिल्लाह ता के पेवर जो गलियों ए कारपेट जो गलियों नजर इंदियो बियो असा जो मेन रोड हो खोसकी खोसकी जो रोड असा जो मंजूर थेल हो उन जो कम थयो कुछ मानू एतराज कयो तो वो असा घर अंदर ठाए दियो तो वो ठेकेदार न ठाया थोड़ा घो पीस उनमें रहल है वो भी इनशाला असो हफ्ते 10 दिन में मुकम्मल खोसकी रोड जो आए वो थी तो असो ये प्रेस क्लब जो ये समझो तो साफी बिरादरी जो खां तुम पुछी उन मेन रोड हो उन पोजिशन जहाँ होंगी बरसात में वींदा माना असेंगे सजे शहर का ऐवान साफ के अगर पानी नजर इंदो सजे शहर में पानी निकलो पर इतना ऐवान साफ बुरी पी हूँ अलहमदुल्ला वो मेन रोड जो वो भी असा मुकम्मल ठहराया उन्हें गडो गड बो रोड है समझो वो मेन रोड है असाजा जो निकरे तो पोस्ट ऑफिस रोड सड़ो वे तो जो वही आबू शेखा तीनों गोठ है सुमरन जो आर्मी शुगर मिल के क्रॉस कर आबू शेखा है उसी तीन रोड है उन वो असा मुकम्मल कराया है सिविल अस्पताल जहाँ रोड हुआ उनके बे रोड टच कन था तो जाहिर है एक वो एतमाद हुए पार्टी जो तक टिकट दियण उन पे भी पीपल्स पार्टी सीनियर मानू भी जिले में वेठा मुकाबलो भी जाहिर है उन्होंने जी पान के करता धरता समझन था इन जिले जो तक्त में केतरा कॉन्फिडेंट हुए या तापे महसूस कर जैसे पार्टी टिकट दिनी पीपल्स पार्टी से तुम वनो हि सीट असें कढ़ी दियो उन वक्त में मन सोच हुई तीन कड़े नमूने से उन कामयाबी के यकीनी बनाया सर अलहमदुल्ला अल्लाह पाक की मेहरबानी से क्यादत एतमाद कर टिकट दिनी असा मुख्य टिकट दिनो दिली तरह एक मानू की जगह हों तब ना पूरा उम्मीद हुआस मुतमैन हुआस तो इनशाला अस यह सीट कढ़ासूँ मार्जन की शे न ही छो अस वे जो मिर्जा फैमिली के पावर मिलो या उनको इतने बदीन में अची कर बदीन के मानू सा एकड़ी तो उनकी दहशत मिर्जा जी मानू का घणो खौफ खाइंदा हुआ तो वह ही पावर में आयो इलेक्शन में आयो अज न सुबह आसपारियों के यार दोस्त इनके परचाए वो ठही वो ये रूमर हल पा मन सोशल मीडिया से हल रही हाँ सरी तूफा है ये अस वेठा हाँ तो अगे खड़ी अस नी वे तो अभी बिल्कुल वेठा उन सिस्टम में शयन में असा नामिमकन लगे तो हों इख्तलाफ जो मूँ जहाँ सियासी इख्तलाफ हूँ तो सियासी इख्तलाफ है कि दोस्त पा में दोस्त की पा में जी थी है वह मन हद क्रॉस है
उनमें वापसी सियासी मानू आ ठीक है गाला है तो करे तो उनसा के टाइम ते मानू वही गज्जी मोड़ ते गाला सके तो वही सके तो के मामला घणा ते निकले ही जो को आहे ता के मानू सा गड वे हो खाओ आ जदे ता पेंजो चो तो मुझे बदन दे कपड़ा भी उन मानू जा डिनल न उन जे ला वरी ता ओकड़ो गंदो उगाड़ियो तो वो असा के नथो लगे तो को वही के स्पेट ते हनन के ही जो ठा थी सके अलहमदुलिल्लाह इन वक्त ठा जी असा के जरूरत भी ना है पीपल्स पार्टी के का कोने तो को असा पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बदीन हमेशा स्वीप कयो आए हन वारे बलदियादी इलेक्शन सामू आए जन अगे 2018 जी जनरल इलेक्शन सामू आए जनरल इलेक्शन जी पोजीशन में जगह असा एकड़ी सीट लूज कई वो मन असा पेंजी गलतियन जे करे लूज कई एने जे जका एने जका दिनी वही वो धनी के खबर है तो असा की खटी आए वह सजी आए तो इंशाल्लाह इन दफे जगह पीपल्स पार्टी बदीन जो पी एस जो पंज सीटों पंजन जो पंज मन अक्सर मन लीड वी से कटी बई एन 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 भी इनशाला असो सो अगे एन ए 800 से अस लूज कई है लूज न कई है पर असें 800 से हाराई वही हिंसर इनशाला या अस एन ए भी 35-40 हज़ार से असं उनके लीड कहूँ ब्रेक जो वक्त है ब्रेक वा ब्रेक मल्ला साहब मौजूद हैं प्रोग्राम एक भेरों बीहर भलीकार अगुणो एम पी ए तार मल्ला साहब मौजूद हैं बदीन के तक के हवा से गाल बोल पाया क्या सही खास तौर से एक जो अहम शे हूँ वह नौकरियों की होंगी आम लोग नौजवान है वो उन हवा से केतरी शूँ क्यों तो बेरोजगार के खात्मे लाए केतरो कम कर नौकरियों जो वायदों तो हर इलेक्शन में हर उम्मीदवार लाजमी कह उन गोगर बया जी तलीम या सेहत से लागापिल के प्रोजेक्ट्स हुए जो इतने मुकम्मल क्या हो एक जो है नौकरियों बिल्कुल बेरोजगारी तमाम घनी है पर इन बेरोजगारी खत्म करना नौकरियों दियन में वाहिद पीपल्स पार्टी है जो हर पेंजे दौर में मानु के रोजगार दिनों है और हिंसर ऐसो असंख्य 40,000 मास्तर जैसे सिंध में भर्ती कर वह भी मेरिट थे तो वो अग में तो हों तो सियासी मानू के सीटों डी थी वन में पर वक्त जो मास्तर असा थन मेरिट से पीपल्स पार्टी उन मानू के नौकरियों दिन मेरिट से उ मू आया 40,000 नौकरियों सिंध में घट ना उन गोगर जे एक चार ग्रेड जो नौकरी हुई उसे गवर्नमेंट तो पेंे हिसाब से दिन पर कोर्टन के हवा से उनमें के रुकावटू थी वो हमेशा ही थो पीपल्स पार्टी तक में केतरूज तक में घन मिली सर इतने न मिली तो का ना उन वक्त में प्रोसेस में तो आर्डर तो शायद थी हुआ पर पूरी ज्वाइनिंग रेल हुई तो वो अना प्रोसीजर में उ ज्वाइनिंग नी सी मानून की ये हर पी एस ज़िले असंजे ज़िले में तकरीबन हुई 1,000-1,200 सीटों हुई ज़िले में तो वो डिस्ट्रीब्यूट करे हर कें पी एस के हवाले से दिन पर उसे जिन मानू किन के मिलिया किन के कौन मिली सकिया तो उ अजा रुकिया पाया जैसे ती कोर्ट जो को फैसलो अचे उन पर वो हमेशा जैसे पीपल्स पार्टी का गरीब मिस्किन मानू के रोजगार दी तो उनमें किथे न किथे अड़ा मानू हूँ जो उन रुकावट बनजी वा इन जर सेहत के हवाले से असा इंडस अस्पताल है जो पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी आसिफ अली साहब अस मेन प्रोजेक्ट वे में वही इंडस अस्पताल जो तकरीबन 100 बिस्तर से है अस डिमांड ही असें यो मेडिकल कॉलेज कर दिनों वे इनशाला असि यह डिमांड है ही असो जो टेन्योर इनमें इनशाला असो अस इंडस अस्पताल है मेडिकल कॉलेज होंद उन गोग असि तलीम के हवा से अस डॉक्टर सिकंदर साहब कैडेट कॉलेज जो को सो मंजूर कराया हो जो हिंसर मुकम्मल थियणवारो है साल खन में या बिन साल में इनशाला वो भी तलीम के हवा से वो भी शुरू थी वो तो असो बेहतरीन इंडस जो इदारो है पर वो कुछ जैसे मू अचन के नो हली सबे पर सहूलत के हवा से तुम विजिट कद तो बदीन के मानून के जैसे की सहूलत है सेहत के हवा से तो तमाम बेहतरीन मुझे ख्याल में इंडस रुगो बदीन पर खोड़सार जिलन के कवर करे थी खोड़ जिलन जा मानू बचन सर असा वे तकरीबन पंजन जिलन जा मानू लगन था टंडो मामन खान जो मानू इतने अचे तो टंडे अलायर जो मानू इतने अचे तो थरपारकर जो थरपारकर तो बदीन जो थरपारकर सिजावल जो मानू इतने अचे तो सिजावल जो तमाम घणो मानू इंडस में अचे तो तो इतने इंडस से तुम वीद रश तुम ऐसा तो दिल खुश थी मन ये जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट है उनमें इन किस्म की अस्पताल है रुगो अस्पताल न पर अस्पताल अंदर तुम वो तुम चुनौत कि असं क्या आगा हॉस्पिटल में या नेशनल हॉस्पिटल में अची वह
तो अड़ो एक इदारो असा इंडस वारन जो जाहिर है अगे बया बे हंध जी अस्पताल हलन थी उ तमाम कामयाब उन अस्पताल इतने जैसे किथे अस को डॉक्टर अची तो वे या कें वो उनकी कोताही के करे का शे थे थी ना तो इदारो तमाम बेहतरीन है मानु के जो सो रिलीफ मिले तो दवा मुफ्त में मिलन थी इलाज मुफ्त में तो थे डिसिप्लिन मानू को वही मिले तो जो आगाज में जो प्राइवेट मानू वे तो जो मिनिस्टर वे तो आगाज में उनके डिसिप्लिन जनरल एक सवाल है मतलब सब सी सी जिले के बारे में काफ़ी शुभ मीडिया से भी इंदी रही हुई पठन डह साल में जो इरीगेशन वाटर है जो तिन शाखों को जिक्र कर मजमू तौर से ये वाकई पानी की शॉर्टेज हुई या जस्ट जो है सो पीपल्स पार्टी के बदनाम कर शवरऑल छा सूरत चल रही इरीगेशन वाटर की छा सूरत चल रही तो उनमें जाहिर है छाकाण असि ज़राई इकॉनमी से अस हलूँ था उन हवाले से थोड़ा बुझा पानी की दसो एकड़ी शॉर्टेज तो बिल्कुल पानी की रुगो बदीन जिले के हिसाब से वो तो खैर सारी सिंध में हुआ है सारी सिंध में पानी की शॉर्टेज है पानी असा के जो असो जो मुआदो थे अकॉर्ड जो मुआदो उन न मिलन जो भी सबब है तो जमीन जैसे तहाँ पानी शॉर्टेज तो थे तो शॉर्टेज में ही वे तो हर को मू चाह मुडवारो तो आऊँ पानी हाँ। खड़ी वा टेलर टेल दिन पुज असी जाहिर टेल में आयो असो सजो जिलो बदीन जिलो टेल में है तो इरीगेशन जो अस पानी जो बिल्कुल बहरान पानी की शॉर्टेज थी उनते अस पानी पेंे असेंबली में भी आवाज़ उथारिंदा चवंदा तो बदीन जिले के पानी दिनों वे वो रुगो पानी जो इरीगेशन के हिसाब से अस ड्रेनेज भी सिस्टम जो सजो है सजो बदीन जिले में तो अचे अच्छा पूरी सिंध जो वो उनको भी जैसे बारिश पवंदी तो उनको प्रेशर सजो अस उन इशू थन्दा पर उनमें वक्फन वक्फन जैं जी इशू थन्दा जाहिर है कुदरती शूँ के मानू के वस की गाल ना है जो उनके के रोके सके असो कम तो उनते गवर्नमेंट जो कम उनते कम करे गवर्नमेंट उनमें हर साल बेहतरीन कम करे थी जैसे ये कुदरती आफतू आयु तो वाहिद पीपल्स पार्टी है जो उन टाइम में उन मानू से गड होंगी है उ नुमाइंदा हूँ जो ये जो मुखालफन जहाँ नुमाइंदा फोटू कढ़ाने तो इंदा पर मानू से गड न हूँ आवाम से मानू से वही पीपल्स पार्टी नुमाइंद गड हों तो इतने जो भी असान इन किस्म जहाँ इशू थे अस एल बी ओडी वे थी उनके जाहिर प्रेशर थे तो पानी बरसात थे थी पानी जो प्रेशर अचे तो उनके घारा पवन था पर उन घारन से पीपल्स पार्टी या नुमाइंदा पा वेठल हूँ मिनिस्टर पची था वन पा अचन था जाहिर वो शूं थियन थी बरसात हिंसर भी जो रिकॉर्ड कई वही 2022 में बरसात तमाम वही थी 2020 में तमाम घनी बार बारिश थी तो उनमें सबन में अलहमदुल्ला उनमें जो हो गवर्नमेंट पैं हिसाब से पैं अफर्ड वी उन शवर किया नुकसान का बचा अच्छा मतलब वो थोड़ा पॉलिटिकली शे अचूँ पा सियासी मामलों से कमाल खान चांग साहब नाराज लगो पो है शूँ के उनको अचन पे तो शायद आज़ाद हैसियत में मसलो है यो मामलो जो आज़ाद हैसियत में विड़े तो केतरो टफ टाइम दे सके तो सर हाँ इलेक्शन है सियासत है हर कें हक है राइट है जैसे केर इलेक्शन में अच्छा चाहे तो कमाल साहब पार्टी जो मानू है पार्टी जो हिस्सों रो है पार्टी जो एम एन ए रो पार्टी जो जिले सदर थी रो है उनके जरूर पार्टी का कें खदशात ज्यादा हुआ अस को पार्टी जो मानू सा राबते की गाल हूँ या बी हूँ भाई इलेक्शन है आज़ादी जैसे केर करे तो हर कें उनको हक है पर वो पार्टी जो हिस्सो थी रो है पार्टी जो एम एन ए थी रो है पार्टी जो जो सो जिले जो सदर भी थी रो है जो इनशाला पार्टी अंदर वही जरूर वही मसला हल थी वाले वो कोई एडो वो इशू ना है कमाल पार्टी जो है पार्टी से गड रो अस यही उम्मीद है इनशाला पार्टी से गड वही इलेक्शन कह पार्टी जरूर उनसा गाली उनके चवंदी जो भी उनके गाल हूँ कि खदशा हूँ तो सामू रखा तो वही मसल गाल कर मिर्जा फैमिली जो शीर पुछा हलन पी गाल वापसी के लिए है या ये तुम पा चो तो अफवाह में हकीकत ना या वो कें फार्मूला ते को कम हली पो है नजर यो तो असंखे नो लगे तो कोई फार्मूले से कम हलदल भी हुए या इन किस्म की गाल बोल किथे कर सकते थी मुख्य नो लगे को मू इन किस्म की गाल कर आसफ साहब से या दी फरियाल साहब से तो या चेयरमैन साहब से तो मुख्य ना नामुमकिन है मुमकिन है नामुमकिन लगे तो सियासत में का भी मुमकिन नामुमकिन न होंगी पर लगे तो नामुमकिन तो यो जो मतलब
फासला एतरो थी वे जी मुतां के बुधाय तो एकड़ो मानू जे खिलाफ सियासी इख्तलाफ हुंदा ने एकड़ी मानू एकड़ो मानू सियासी दुर हुंदा ने 13 में ता पीपी जे खिलाफ भिड़ो लेकिन पर सियासी इख्तलाफ हो को मसलो कोने ता गड बैठे जी असा बैठा हूं असा बियो दुरी पे ना पीरपागारे साहब वाला पे ना असा सा असा जे सियासी मुखालिफ ना सी उनदा के प्लेयर पारन दे वही सी जे में कर सकियो ता अरबाब साहब पे बैठा अरबाब गुलाम साहब बैठो है एकड़ी पार्टी है दुर असी उनसा वही गलाए सकुंदा के सियासी तरह सा मुखालिफ हो के जला गलाई हुंदा सियासी प्लेटफॉर्म से या एक बे तनकीद क्यों था पर तनकीद वासी वह क्यों था पर बरए तनकीद जो होंगी वह कई वी ही तो न सियासी मानू आए न इन जो को सियासी बैकग्राउंड आए को न ही को खानदानी सियासी मानू आए कें जो जाती पे जो सीटू हुजन जैसे बुनियाद वही इन ऐलजे इनके पीपल्स पार्टी आंदो पीपल्स पार्टी इनके अची इनमें सियासत में एडजस्ट कर आसिफ साहब बकरे दोस्ती ये बुनियाद तो उन बुनियाद असेंगे नो लगे तो को यह शे मुमकिन हो जाए तो किथे ठा जी पोजिशन में हाँ ठाद मूँ सियासी मूँ तो बिल्कुल ठहन शुन पर सियासी के मूँ के मजबूरी हुजन जैसे करे तो वह पीपल्स पार्टी के का मिर्जा की मजबूरी ना है इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जी ही उनके इन में बलजाद इलेक्शन में शिकस्त दिनी है ये जनरल इलेक्शन में शिकस्त अच्छा आखिर में हाँ इलेक्शन तकरीबन एक्सपेक्टेड है 24 में थे पी तो इन तक से ज़ाहिर तुम चाहो तो तक टिकट मिले सूरत हाल है तक टिकट मिले पी या कि बिहार मुकाबले में टिकट जन ज़ाहिर अल्टिमेटली फैसलो तो पार्टी क्यादत के ही करण है पर तुम नेक्स्ट इलेक्शन केतरे कदर तैयार आयो सर अलहमदुल्ला अस बिल्कुल 100% इलेक्शन तैयार है पार्टी है पार्टी से टिकट इंशाल्लाह उम्मीद है तो असें ही डींदी अग में भी अस इलेक्शन दुखे दौर में दुखे माहौल में एक समझो तो फहमींदा मिर्ज़ा के असा इलेक्शन हारा अस इलेक्शन वह खटी है पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म त असेंगे टिकट मिली तदें अस इलेक्शन कर सकते असेंगे मुख्य उम्मीद है तो इंशाल्लाह हिंसर भी पीपल्स पार्टी मुझे फैद कंदी मुझे एतमाद कंदी मुख्य बार बार कें आजमान के बजाय अस वरी भी इंशाल्लाह इंदासूँ अस इन इन फैमिली के शिकस्त दींदूँ जो सो अस मजबूती से अस गवर्नमेंट अस पीपल्स पार्टी जो स्कीमू डनियो जो कम ना अस उन प्लेटफॉर्म तासूँ एक मूँ जो है सियासी मूँ तुम मूँ वन जड़ा ना असं सुरखुरु थी मूँ वन तो असं सुरखुरु थीं तो पीपल्स पार्टी तक ये शूँ डन इनशाला 100% असि शा कर सकूँ पर जो पंजन साल में असा दिनों है वो सबन के सामूँ है बदीन के मूँ के सामूँ है बदीन के आवाम के सामूँ है असान वोटर के सामूँ है असा उन वोटर के दिनों है जिते जिनके असि न दई सकें तो इनशाला असी पीपल्स पार्टी जो अगी गवर्नमेंट असि उनमें असि जी शूँ असि उन मूँ के पूरी कर दींदूँ बाकी पार्टी है क्यादत जैसे भी टिकट दी असि बाकदे इलेक्शन उन्हीं जो जज्बे का कर दींदूँ जो असि अपोजिशन के अस मुखालफन के तारीख़ी शिकस्त होंगी ठीक है बस आखिर में वे जल्दी मुझे जहन में अची वो तो 13 में जो रिजल्ट आज ठीक है पे 15 में बलदियाती इलेक्शन थे थी उनमें इतना बदीन में हारा था बेन म्यूनसिपल कमेटी में हारा था मिर्ज़ा ग्रुप खटे तो वे वही समूरी सीटू हाँ जी बलदियाती इलेक्शन में वापस वरती हैं वो म्यूनसिपलिटी खटी हैं ये म्यूनसिपल कमेटी जो बदीन की है यहाँ तक खटी है तक तो लगे यो जो को रिजल्ट बलदियात इलेक्शन वो तीन कामयाबी आ रो तक जनरल इलेक्शन में केतरो कम दी बस क्विक नोट सर इनशाला असं जी है बदीन के पे पीएससी हवाले से गाल कस अस फेयर इलेक्शन क्यों था असि ही बलदियात इलेक्शन भी अलहमदुल्ला फेयर इलेक्शन थी है असि उम्मीद है मुख्य उम्मीद है अस बलदियात इलेक्शन क्या शायद जनरल इलेक्शन में असें रिजल्ट मिले होंद जाहिर है बलदियाती इलेक्शन जो होंगी है राज की इलेक्शन होंगी है राजूणी की बिरादरी की इलेक्शन होंगी है पर एक मूँ मुतमैन हों एतरो मुतमैन आया मुझी दिल एतरी मुतमैन है तो पीपल्स पार्टी पैं कारगर्दी के कारगर्दी के बुनियाद के कर पीपल्स पार्टी जिले बदीन जो गढ़ रो है गढ़ है इनशाला हमेशा रह पीपल्स पार्टी जो रह उनमें 100% मुतमैन ये मुझे यकीन है उम्मीद है तो असं बलदियाती इलेक्शन का रिजल्ट खड़ी ठीक है।